स्वागत है आपका पहाड़ प्रभात में। आपके साथ मैं हूं अंशली भंडारी। और चलिए रुक करेंगे खबरों की ओर। तो 16 से 19 नवंबर के बीच हिमाचल प्रदेश विधानसभा में होने वाले 82वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन में 17 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल तौर पर जुड़ेंगे। उनके शिमला आने का कार्यक्रम नहीं बन पाया है। बता दें कि सीएम जयराम ने कहा कि लोकसभा अध्यक्ष की ओर से उन्हें फोन पर यह जानकारी दी गई। प्रधानमंत्री कार्यक्रम में वर्चुअल तौर पर जुड़ेंगे। 100 साल पहले 1921 में दरअसल शिमला में प्रथम अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन हुआ था और उसके बाद अब होने जा रहे हैं। इस सम्मेलन में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे और इस सम्मेलन में कई राज्यों के विधानसभाओं विधान परिषदों के पीठासीन अधिकारी उपाध्यक्ष और प्रधान सचिव सम्मेलन में भाग लेंगे। लोकसभा और राज्यसभा सचिवालय के लगभग 70 अधिकारी और कर्मचारी भी शामिल इसमें शिमला होंगे आएंगे और साथ ही साथ प्रदेश के राज्यपाल मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल के सदस्य भी सम्मेलन में मौजूद रहेंगे। तो फिलहाल आपको बता दें कि 16 से 19 नवंबर तक ये सम्मेलन जो है वो आयोजित किया जा रहा है। 17 नवंबर को पीएम मोदी भी शामिल होंगे इस कार्यक्रम में। अंकुश डोभाल संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अंकुश, फिलहाल इस कार्यक्रम को लेकर क्या कुछ जानकारी, क्या कुछ तैयारियां जो है वो कर ली गई हैं? 82वां अखिल भारतीय पीठासीन सम्मेलन होने जा रहा है 16 से 19 नवंबर को। जी बिल्कुल अंजलि, सबसे पहले मैं ये जानकारी दे दूं कि हिमाचल प्रदेश विधानसभा में पीठ को स्थापित हुए 100 साल का समय पूरा होने वाला है। नवम्बर 1921 में पीठ स्थापित यानी की चेयर को स्थापित किया गया था और अब 100 साल पूरे होने पर ये बड़ा कार्यक्रम करवाया जा रहा है। 16 से 19 नवंबर तक ये कार्यक्रम होने जा रहा है और इसके साथ मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 नवंबर को यहाँ आने वाले थे और बीते दिनों ये खबर थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ आएंगे, लेकिन बीते कल जो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला हैं उनकी बात जो है वो हिमाचल प्रदेश सरकार से हुई। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने किसी कार्यक्रम में व्यस्त है, इस वजह से वो हिमाचल प्रदेश नहीं आएंगे। इसके साथ ही हिमाचल प्रदेश सरकार ने ये भी तय किया था कि हिमाचल प्रदेश में जो तमाम शिलान्यास और शिलान्यास के कार्यक्रम है उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से करवाया जाएगा, लेकिन फिलहाल नरेंद्र मोदी नहीं आ रहे हैं इसलिए इन कार्यक्रमों को भी आगे टाल दिया है। लेकिन अगर बात इस 82वें अखिल भारतीय पीठासीन सम्मेलन की जाए तो कई राज्यों के विधान परिषदों विधानसभाओं से जो अधिकारी हैं विधायक हैं वो इसमें भाग लेने के आएंगे और एक खास बात ये रहने वाली है कि लोकसभा की तरफ से प्रदर्शनी लगाई जाएगी जिसमें तमाम जो लोकसभा के कार्य होते हैं उसके बारे में लोगों को बताया जाएगा। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश भी अपनी एक प्रदर्शनी इस सम्मेलन में लगाने जा रहा है जिसमें हिमाचल प्रदेश के उत्पादों के साथ साथ हिमाचल प्रदेश की जो परंपरा है, हिमाचल प्रदेश के लोगों का रहने सहने का ढंग है उसे प्रदर्शित किया जाएगा और जो तमाम राज्यों से हिमाचल प्रदेश लोग नवंबर के महीने में यहाँ पर पहुंचेंगे उन्हें हिमाचल प्रदेश की संस्कृति से भी रूबरू करवाया जाएगा। और एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम हिमाचल प्रदेश के रहने वाला है, 4 दिन तक ये कार्यक्रम चलेगा 16 से 19 नवम्बर तक, लेकिन फिलहाल नरेंद्र मोदी नहीं आ रहे हैं। ये हिमाचल प्रदेश के लिए थोड़ी बुरी खबर है, लेकिन वर्चुअली वो कार्यक्रम में जुड़ेंगे और अपना संबोधन इस कार्यक्रम में देंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि होंगे और वो बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगे, फिजिकली हिमाचल प्रदेश पहुंचेंगे और इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। अंजलि, बहुत बहुत शुक्रिया अंकुश डोभाल इस तमाम जानकारी के लिए। तो 17 नवंबर को पीएम मोदी भी इसमें शामिल होंगे, वर्चुअली जुड़ेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो लोकसभा अध्यक्ष बतौर मुख्य अतिथि इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। बता दें आपको कि 82वां अखिल भारतीय पीठासीन सम्मेलन जो है वो ही आयोजित किया जा रहा है। 16 से 19 नवंबर तक इस सम्मेलन का आयोजन होगा और 17 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, हालांकि उनका पहले इस कार्यक्रम में उपस्थित होने का कार्यक्रम था लेकिन किसी कारणवश उनका ये कार्यक्रम जो है रद्द हुआ, लेकिन वो वर्चुअली इस कार्यक्रम से जुड़ेंगे। बढ़ेंगे आगे। बता दें कि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शनिवार को हिमाचल प्रदेश सचिवालय में सभी विभागों के सचिवों के साथ बैठक की। इस बैठक के दौरान मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सभी विभाग के सचिवों से अलग अलग विषय पर जानकारी ली। सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि सभी विभाग के सचिवों के साथ विकास कार्यों को लेकर चर्चा हुई। सीएम ने कहा कि अधिकारियों को विकास कार्यों में आ रही कमी को पूरा या से जो कमी है उन्हें दूर करने के लिए कहा गया है। सरकार के स्तर पर हम उन सारी चीज़ों का आकलन कर रहे हैं कहाँ कमी रही, जो हमने डेवलपमेंट के काम किए हैं, जो हमने सारी योजनाएं चलाई हैं उसके साथ उनको जमीनी स्तर पर जो धरातल पर उसको किस तरह से प्रभावी ढंग से हम लागू कर सकें, ये
के अधिकारियों के साथ बातचीत हुई है और जो छोटे छोटे इश्यूज थे उन डिपार्टमेंट को हमने आगाह किया कि उनको सुधार करें। उधर आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति के संसारी किलाड़ सड़क पर हुए भूस्खलन का जो मलबा है हटाने समय सीमा सड़क संगठन का एक जवान शहीद हो गया। बता दें आपको कि आरसीसी 94 में तैनात आंध्र प्रदेश के रहने वाले 28 वर्षीय पी कार्तिक कुमार शहीद हो गए। दिवाली के दिन गुरुवार की शाम को तिंदी से 10 किलोमीटर आगे मनाली किलाड़ मार्ग भूस्खलन से अवरुद्ध हो गया था। मार्ग बंद होने से दोनों तरफ वाहन फंसे हुए थे। इस दौरान बीआरओ के आपको बता दें कि 94 आरसीसी का जवान डोजर लेकर सड़क को बहाल करने के लिए पहुंच गया और मलबा हटाते वक्त कार्तिक डोजर से उतरकर मुआयना कर रहे थे कि अचानक पहाड़ी से फिर भूस्खलन हो गया और वे इसकी चपेट में आ गए। हादसे की सूचना मिलते ही बीआरओ और साथ ही साथ पुलिस घटनास्थल पर पहुंचे और जवान को निकालकर सीएससी उदयपुर पहुंचाया गया। यहां डॉक्टरों ने जवान को मृत घोषित कर दिया। बढ़ेंगे आगे। उधर सीएम जयराम ठाकुर ने डीजल पेट्रोल के दाम कम करने को लेकर दरअसल मोदी सरकार का आभार जताया है। जयराम ठाकुर ने कहा मोदी सरकार ने आम जनता को बड़ी राहत दी है, हिमाचल सरकार ने भी वेट कम कर राहत देने का काम किया। और इस दौरान जयराम ठाकुर ने कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, केंद्र सरकार का आभार व्यक्त करता हूँ क्योंकि ऐसा अनुभव किया कि ऐसी परिस्थिति में जो पूरी विश्व की इकोनॉमी प्रभावित हुई है और प्रधानमंत्री जी ने हमेशा इस बात के लिए प्रयास किए हैं कि विकास भी ना रुके और उसके साथ साथ हम आम आदमी का जीवन कैसे सरल कर सकते हैं, उनको कठिनाई ना हो, परेशानी ना हो, उस दृष्टि से पेट्रोल डीजल की कीमतों पर उस पर कटौती की। और मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि एक आग्रह हमारे समक्ष भी इस बात के लिए था और हमने भी स्वीकार किया और उसमें हमने हिमाचल प्रदेश में भी उस प्रकार से उसमें डीजल और पेट्रोल में जो है उसमें रेट वैट में जो है उसमें कटौती की है। और अब कुल मिलाकर के डीजल पर लगभग 70 रुपये का फर्क पड़ रहा है, सस्ता हो गया। और इसके अतिरिक्त पेट्रोल पर भी इसी प्रकार से उसी अनुपात में जो है वो उसका 7 रुपये हमने डीजल पर और पेट्रोल पर दोनों पर जो है स्टेट की ओर से वैट कम करने का जो है वो निर्णय लिया है। जहाँ तक कांग्रेस पार्टी की बात है, मुझे सिर्फ इसमें यही कहना है कि कांग्रेस वाले जो शोर डाल रहे थे अभी तक, उनको कोई नैतिक अधिकार नहीं है इन सारी बातों को कहने का। उनकी सरकारें जिन प्रदेशों में है, चाहे पंजाब है, चाहे राजस्थान है, जहां भी छत्तीसगढ़ है, 2-3 प्रदेशों में ही उनकी सरकार है, वो भी कम करें। राष्ट्रीय स्तर पर इस मुद्दे को उठाने की कोशिश की उनने के इसके कारण महंगाई बढ़ रही है, लेकिन उसके बावजूद अपने राज्यों में वो जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी और एनडीए शासित राज्यों में कदम उठाया इसको डीजल और पेट्रोल की कीमतों को कम करने के लिए, वो भी उठाएं। सर अगर मैं उस सारी पर कुछ नहीं कहना चाहता हूं, मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूं चुनाव हो लिए हैं, परिणाम निकल गया है और परिणाम निकलने के बाद हम उसकी समीक्षा करेंगे, उसके बाद आगे बढ़कर के काम करेंगे। उधर आपको बता दें कि प्रदेश में सरकार ने सड़क पर घूमने वाले बेसहारा पशुओं को लेकर साल 2022 तक का लक्ष्य निर्धारित किया है। पशुपालन मंत्री वीरेंद्र कंवर ने दरअसल शिमला में बताया कि बेसहारा पशुओं के लिए जल्द 2 स्मार्ट गौशालाएं बनाई जाएंगी। इसके लिए एक कंपनी से एमओयू साइन कर दिया गया है और इसके तहत कांगड़ा के ज्वालाजी और साथ ही नालागढ़ में 2 गौशालाओं में कंपनी गोबर से खाद और उर्वरक बनाएगी और इसके अलावा दूध और दूध से निर्मित उत्पाद भी बनाए जाएंगे। उन्होंने बताया कि प्रयोग के तहत इन गौशालाओं को चलाया जाएगा और सफलता के बाद अन्य जगहों पर भी ये प्रयोग होगा। उन्होंने ये बताया कि सर्दी के मौसम को देखते हुए बेसहारा पशुओं के लिए चंबा, शिमला और किन्नौर में विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं। शिमला में आनी में एक बहुत बड़ा गौ सदन जो है वो हमने वहां पर बनाया है
जो इस महीने जो है वो काम कंप्लीट हो जाएगा। अगले महीने आप सबको ले जाकर के साथ जब हम उसका उद्घाटन भी करेंगे और शिमला जिला को जो है वो बेसहारा पशुओं से मुक्त करेंगे। और जो है वो रामपुर में भी जिसमें 100 से ज़्यादा जो है वो गाय जो है हम वहाँ पर भी रख सकेंगे, तो ये हमारी एक पूरी कोशिश है। उधर मंडी संसदीय सीट से जीत के बाद हॉली लॉन्च में दरअसल जश्न का माहौल है। बता दें आपको कि कांग्रेस समर्थक बड़ी तादाद में हॉली लॉन्च बधाई देने पहुंच रहे हैं और शनिवार को शिमला ग्रामीण से सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ता ढोल नगाड़ों के साथ बधाई देने पहुंचे। बता दें और शिमला ग्रामीण के विधायक विक्रमादित्य सिंह के साथ नवनिर्वाचित सांसद, आपको बता दें कि प्रतिभा सिंह को फूलमालाएं और शॉल टोपी पहनाकर सम्मानित किया गया। प्रतिभा सिंह ने शिमला ग्रामीण के समर्थकों को आभार जताया और इस दौरान प्रतिभा सिंह ने कहा कि वे इस जीत का श्रेय मंडी की जनता के साथ शिमला ग्रामीण के लोगों को भी देती है और उन्होंने कहा कि इस माहौल में उन्हें वीरभद्र सिंह की कमी खल रही है। मैं इनका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ, जो इन्होंने अपना समर्थन अपना सहयोग मुझे दिया। ये मेरी नहीं सभी लोगों की जीत है। मैं मंडी पार्लियामेंट्री हलके के और हमारे ग्रामीण क्षेत्र के लोग जो वहाँ पर काम करने आए हैं, इन्होंने दिन रात कार्य किया है। सभी की दुआओं से और सभी की काम से हम इसमें सफल हो पाए हैं, इसके लिए सभी का बहुत बहुत आभार। तो है ही है, आप देखिए देख ही रहे हैं 4-0 हुआ है, तो आने वाले विधानसभा के चुनाव में भी हमें लगता है कि हम अवश्य विजय हासिल करें। वो तो है ही है। उनके बगैर हमें लगता था कि हम कैसे कदम आके रखें। लोगों का प्यार, लोगों का स्नेह जो हमें प्राप्त हुआ है, उसकी वजह से हमें थोड़ा हौसला भी मिला और हमने आगे कदम उठाया। मैं धन्यवाद करता हूँ, ये हमारा परिवार है और मैं इनके परिवार का सदस्य हूँ, शिमला ग्रामीण का विधायक भी हूँ, यहाँ का बेटा भी हूँ, यहाँ का भाई भी हूँ। स्वाभाविक है जब खुशी का माहौल है तो खुशी जग जाहिर करने हमारा परिवार हमारे साथ खड़ा है और इसीलिए आज यहाँ पे जो है खुशी का माहौल है। पिछले कल रोड़ू का भी प्रतिनिधिमंडल यहाँ पे आया था और आज मेरे निर्वाचन क्षेत्र शिमला ग्रामीण से हमारे सभी साथी आए हैं। सब में जोश है और सब वचनबद्ध है कि हमने अगले जो 2022 के चुनाव हैं उसमें डट जाना है, मजबूती के साथ कार्य करना है, धरातल पे कार्य करना है और जो कांग्रेस पार्टी द्वारा जो विकास के कार्य खास रूप से शिमला ग्रामीण में ऐतिहासिक विकास कार्य किए हैं उनको भी आगे लेकर जाना है। और जो अब एक नई जिम्मेवारी हमारे परिवार के ऊपर आई है मंडी संसदीय क्षेत्र की, जिसमें 17 विधानसभा हल्के हैं, वहाँ की जिम्मेवारी भी श्रीमती प्रतिभा सिंह जी पर है, हमारे परिवार के ऊपर है, उसका निर्वहन भी हमने मजबूती के साथ करना है। उधर आपको बता दें कि हिमाचल कांग्रेस मीडिया सेल के चेयरमैन और साथ ही सिलाई के विधायक हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि बीजेपी की हार को लेकर कहा कि उपचुनाव में भाजपा की गूंज दिल्ली तक पहुंची है। चौहान ने कहा कि मंडी की जनता ने जनादेश कांग्रेस के हाथ में दिया है। हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि जनता ने बीजेपी को नकार दिया है और अब जनता एक बार फिर कांग्रेस पर विश्वास जता रही है। ये जो अभी हाल ही में चुनाव हुए हिमाचल प्रदेश में, जिसमें लोकसभा मंडी की कांग्रेस पार्टी जीती और तीनों विधानसभा कांग्रेस पार्टी जीती है, ये एक जनादेश प्रेजेंट गवर्नमेंट के अगेंस्ट है। और इश्यूज़ बहुत सारे इश्यूज़ थे, प्राइस राइज था, अनएम्प्लॉयमेंट था, कर्मचारियों के इश्यूज़ थे, डेवलपमेंट वाले इश्यूज़ थे, जिसपे भारतीय जनता पार्टी के 4 साल की सरकार में विफल हुई है और इसीलिए हिमाचल प्रदेश की जनता ने बीजेपी की प्रेजेंट गवर्नमेंट को नकारा है। और 29% वोट तीनों विधानसभा में बीजेपी को मिले हैं और कांग्रेस को 49% मिले हैं और मंडी लोकसभा सीट जो है जो भारतीय जनता पार्टी लगभग 4 लाख से 2019 में जीती है, वो कांग्रेस पार्टी ने वो 4 लाख वोट को कन्वर्ट करके जो है 7,500 वोटों से जीत दर्ज की है। तो ये बीजेपी के गवर्नमेंट के अगेंस्ट जो है वर्डिक्ट है।
उधर आपको बता दें कि हिमाचल में 4 सीटों पर हुए उपचुनाव में बीजेपी को मिली शिकस्त पर हमीरपुर जिला कांग्रेस कमेटी ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देने की मांग की है। हमीरपुर के होटल अमीर में दरअसल आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान जिला कांग्रेस अध्यक्ष राजेंद्र जार ने कहा कि उपचुनाव को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने स्वयं ही सत्ता का सेमीफाइनल बताया था और अब सभी सीटें हार जाने के बाद मुख्यमंत्री को नैतिकता के आधार पर अपना पद से इस्तीफा देना चाहिए। जिला अध्यक्ष राजेंद्र जार ने दावा किया करते हुए कहा कि अगर इस समय प्रदेश में विधानसभा चुनाव करवा दिए जाए तो फिर सबसे ज्यादा सीट कांग्रेस की झोली में ही आएगी। से मुख्यमंत्री ने कहा है कि ये सत्ता का सेमीफाइनल है ये उपचुनाव और इन उपचुनावों में मुख्यमंत्री 100% हारे हैं, 4 की 4 सीटें कांग्रेस को मिली है। तो अब नैतिकता ये बनती है कि मुख्यमंत्री का ये जो क्लेम था कि हम ये सभी सीटें जीतेंगे वो पूरी तरह फेल हो गया, जन समर्थन उनके पक्ष में नहीं है। तो ऐसे में अगर इस वक्त चुनाव हो जाए तो शायद 10 से ज्यादा सीटें इस भारतीय जनता पार्टी को आना मुश्किल है। उधर कोरोना महामारी ने जहां कई लोगों के रोजगार को छीन लिया, वहीं कई लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दिखाई राह पर चलते हुए आपदा को अवसर बना लिया। बता दें कि बंगाणा निवासी राकेश कुमार इसी की एक मिसाल बने। 8 वर्षों तक नोएडा में बड़ी कंपनियों में काम करने के बाद राकेश के सामने कोरोना महामारी ने जब रोजी रोटी का संकट खड़ा कर दिया तो उन्होंने सरकार की मदद लेकर आपदा को अवसर बना लिया। मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के तहत राकेश कुमार ने अपना उद्योग स्थापित करने के लिए आवेदन किया। सरकार से आर्थिक मदद मिलने के बाद उन्होंने स्वयं का जो गद्दा उद्योग स्थापित किया जो कि उनकी आय का स्रोत बन गया है। राकेश दूसरों के लिए भी अपने उद्योग के माध्यम से रोजगार दे रहे हैं। एक उद्योग स्टार्ट किया है जिसमें गद्दे का काम स्टार्ट किया सर मैंने। सर पहले मैं कंपनी में काम करता था और मेरी क्वालिफिकेशन सर एमकॉम है और सर लॉकडाउन के कारण कई कंपनी सर बंद होगी, इसलिए सर मैंने कुछ काम करने की सोची। सर किसी ने मेरे को सजेस्ट किया कि आप इंडस्ट्री डिपार्टमेंट से संपर्क करो अगर कोई अपना काम करना है तो, इसलिए सर मैंने इंडस्ट्री डिपार्टमेंट से संपर्क किया। उन्होंने मेरे को सही राह बताई और उन्होंने मेरे को मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के तहत एक स्कीम बताई जिसमें पुरुष के लिए 25% सब्सिडी और स्त्री के लिए 30% सब्सिडी का प्रावधान है। ठीक है, इंडस्ट्री डिपार्टमेंट वालों ने सर काफ़ी मेरी सहायता की है इस काम में। हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2019 में हिमाचल प्रदेश के जो पढ़ा लिखा युवा है उसको स्वरोजगार के लिए बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना जो है वो आरंभ की गई वर्तमान सरकार द्वारा मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के नाम से। इस योजना के अंतर्गत जो है 1 करोड़ रुपए तक की परियोजनाएं, चाहे वो कोई औद्योगिक इकाई हो या कोई सर्विस एंटरप्राइज हो, कोई सेवा इकाई हो, वो स्थापित करने के लिए 1 करोड़ रुपए तक का प्रोजेक्ट जो है वो इस मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना में पात्र है और इसमें पुरुषों को जो है 25% की दर से सब्सिडी दी जाती है, महिलाओं को 30% की दर से और विधवा महिलाओं के लिए 35% की दर से सब्सिडी का प्रावधान है।